चाहे हम निफ्टी में ट्रेड करें, बैंक निफ्टी में करें, या स्टॉक में करें, इंट्राडे करें या पोजिशनल करें, फ्यूचर में करें या ऑप्शन में करें, सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रेंड पिक करना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ हमारी पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में ट्रेंड किस तरीके से हम पिक कर सकते हैं, एक सबसे सिंपल तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा और काफी सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझने में काफी आसानी रहे। अब यहाँ निफ्टी का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझने में काफी आसानी रहेगी। एप्लीकेबल सिमिलर तरीके से चाहे बैंक निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो, दोनों पे एप्लीकेबल सिमिलर तरीके से ये रहेगा। अब यहाँ पर ट्रेंड पिक करने के लिए काफी सारे टेक्निकल टूल अवेलेबल हैं, अलग लोग अलग अलग टेक्निकल टूल का यूज करते हैं। उसमें से सबसे सिंपल और जो इफेक्टिव एक टूल है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। यहाँ पर मान ले हम निफ्टी का इंट्राडे में ट्रेंड पिक करना चाहते हैं कि भाई निफ्टी के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है या उसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर हम चार्ट का यूज करना चाहते हैं, इंट्राडे का हम चार्ट ओपन करते हैं। अब यहाँ इंट्राडे का जो चार्ट है, काफी सारी वेबसाइट से जहां पर लाइव चार्ट चलते रहते हैं या हमारा जहां भी डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है वहां भी आसानी से हम लाइव चार्ट देख सकते हैं। इंट्राडे का निफ्टी का हम चार्ट ओपन करते हैं। अब चार्ट ओपन करने के बाद अगर उस चार्ट में हमको इस तरीके का पैटर्न नजर आता है कि भाई निफ्टी ओपन यहाँ हुई थी और निफ्टी इस तरीके से यहाँ पर बढ़ रही है, तो इस तरीके का अगर हमको यहाँ पैटर्न नजर आता है तो ये पैटर्न कहलाता है हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न। अब हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न ये क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ निफ्टी ओपन हुई, ओपन होने के बाद यहाँ तक ऊपर गई, वहां से फिर थोड़ा सा यहाँ तक नीचे आई, फिर यहाँ ऊपर गई, फिर वो यहाँ तक थोड़ा सा नीचे आई। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो टॉप बन रहा है, प्रीवियस टॉप, अगला टॉप ऊपर, फिर अगला टॉप ऊपर, फिर अगला टॉप ऊपर, और जो यहाँ पर जब जब भी वो नीचे आ रही है तो जो उसका लो बन रहा है वो यहाँ पर अगला लो हमेशा ऊपर की तरफ बन रहा है। यानी हायर टॉप, जो टॉप है वो प्रीवियस टॉप से हायर बन रहा है, और हायर बॉटम यानी जो बॉटम है वो प्रीवियस बॉटम से अगला बॉटम ऊपर की तरफ बन रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके का अगर पैटर्न चल रहा है तो यहाँ ये हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न कहलाता है कि निफ्टी ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आई, फिर वापस से निफ्टी ऊपर की तरफ गई, तो ऊपर कहाँ तक गई, जो पिछला हाई था उसको भी ब्रेक करा और उससे ऊपर जाके नया हाई बनाया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, प्रीवियस हाई को फिर ब्रेक करा, उससे भी ऊपर जाके नया हाई बनाया। तो यहाँ पर इस तरीके का अगर हमको पैटर्न नजर आता है इंट्राडे में तो ये हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न कहलाता है, यानी निफ्टी के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब इस चार्ट में ये प्राइस लाइन है 15,000, 15,000, 50, 15,100, और यहाँ पर ये टाइम लाइन होती है जो हम चार्ट में देखते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हमको पैटर्न देखने को मिल रहा है यानी ये एक पॉजिटिव ट्रेंड का इंडिकेशन हमको देता है। अब यहाँ पर दूसरा जो ट्रेंड होता है वो होता है लोअर टॉप लोअर बॉटम का। यहाँ पर दूसरा जो ट्रेंड होता है वो होता है लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न। अब यहाँ हम चार्ट में समझते हैं, मान ले निफ्टी यहाँ ओपन हुई, ओपन होने के बाद नीचे यहाँ तक आई, यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आई। अब अगर इस तरीके का चार्ट हमको नजर आ रहा है तो ये जो पैटर्न कहलाता है लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न। अब लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर जो टॉप है वो नीचे के नीचे यहाँ पर बनता जा रहा है। पहले ये टॉप था, अब टॉप जो हो गया वो नीचे हो गया,
फिर स्टॉक नीचे चला गया, यानी जो बार बार टॉप बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है, तो ये लोअर टॉप यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और लोअर बॉटम यानी पहले जो लो था वो फिर ब्रेक होके फिर नया नीचे लो बन गया, फिर वो ब्रेक होके नया नीचे लो यहाँ पर बन गया, यानी जो लो है वो भी नीचे की तरफ क्रिएट होता जा रहा है, तो ये पैटर्न कहलाएगा लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न। तो इस तरीके का अगर हमको पैटर्न देखने को मिलता है, यानी ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, नीचे की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ अगला पॉइंट आता है कि भाई इंट्राडे हो चाहे पोजिशनल हो, ट्रेंड तो कभी भी बदल सकता है। यहाँ इस तरीके का पैटर्न चल रहा है, मान लो दोपहर बाद ये ऊपर जाने लगा, ट्रेंड चेंज हो गया, तो यहाँ पर हमको हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, ऑलवेज ट्रेड विथ ट्रेंड। जिस भी तरफ मार्केट का ट्रेंड है उसके डायरेक्शन में हम ट्रेड करते जाएं, और अगर ट्रेंड चेंज होता है तो हमको भी हमारी पोजीशन चेंज कर लेना चाहिए, उसी में सबसे अच्छा बेनिफिट रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।